आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले के आसपुर सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी कार्यालय के प्रमुख एवं कार्यकर्ताओं तथा जमाकर्ताओं ने निवेशकों के जमा राशि को लेकर सेबी एवं सहारा के संयुक्त खाते में 24,000 करोड़ रुपए वापस करने को लेकर सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने विधायक महोदय गोपीचंद मीना आसपुर विधानसभा क्षेत्र में ज्ञापन सौंपा। साथ ही सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा ने सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए में ब्याज जमा किए हैं, जो राशि छोटे छोटे निवेशकों की है। अतः केंद्र सरकार की मध्यस्थता बनाकर विवादित मसले को हल करके जमाकर्ताओं की राशि तत्काल भुगतान कराने की अपील की है। विधायक गोपीचंद मीना ने कहा, मैं इस मसले को गुलाबजी भाई साहब से बातचीत करके हमारे गृह मंत्री अमित शाह को सहारा सेबी विवादित मसले की जानकारी देकर हमारे गरीब लोगों की राशि वापस दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। गरीब जनता ने एक एक रुपए एकत्रित कर जमा की राशि सहारा समूह ने जमा कराया गया है और हम लोगों का जमा पूंजी निवेशकों की नहीं डूबने देंगे। प्रधानमंत्री से भी कहकर इस मसले को हल किया जाएगा। इस अवसर पर सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी प्रमुख केसर सिंह तवर, नेपाल सिंह पवार, माधु सिंह महेश चौबीसा, प्रशांत जोशी, ललित मेहता, सोका बामनिया, कांतिलाल जी शर्मा, मुकेश मेघवाल, प्रकाश मेघवाल, नवल सिंह जी, कल्याण सिंह, नरेंद्र सिंह जी, विनोद जोशी, महेंद्र कलाल, फतेह सिंह चौहान एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। सेबी के कुछ अधिकारियों की हड़दर्मिता की वजह से ये सारा मामला उलझा हुआ है, अटका हुआ है। तो सरकार की मध्यस्थता से इसका निपटारा, और हमारा यही निवेदन है आपसे कि आप हमारी बिल्कुल पिछले समय में बात भी होती ना, विधानसभा में भी इसको जोर से उठाया जाता है, विधानसभा में भी इसको ये क्या कमेटी थी।